بعد سورة نصر کی تفصیل بیان
المؤمنين التي عاشت النفاق رضي الله كرامتك بعد ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دو سنتوں میں پڑھنے کے لیے دو سورتیں بہتر ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یعنی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. حدیث نمبر 2، متعدد صحابہ سے منقول ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں بکثرت یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. حدیث نمبر 3، بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی دعا بتا دیجیے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، اور فرمایا یہ سورت شرک سے بات ہے. یہ حدیث ترمذی اور ابو داؤد میں بیان کی گئی. حدیث نمبر 4، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم سفر پہ جاؤ تو وہاں اپنے تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوشحال اور باوقار رہو اور تمہارا سامان بھی زیادہ ہو؟ بے شک میں ایسا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کریم کی آخری 5 سورتیں قل یا ایھا الکافرون سے لے کے آخر تک پڑھا کرو، اور ہر سورت بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میرا یہ حال تھا، سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں سے بالکل تنگ الحال خستہ حال، بہت کم میرے پاس مال ہوتا تھا. جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دیا تو میں سب سے بہترین حال والا ہو گیا. نیا نام بھی پڑھے تو پریشان حال رہتے نا، تعلیم گھنٹوں میں پڑھے جاتے یہ دنیا جیون کا گروپ سے لے کے اخیر تک ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع. اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے. یہ تو تھی سورہ کافرون کی فضیلت. اب سورہ کافرون کا شان نزول سن لو. شان نزول کہتے ہیں نازل ہونے کا سبب، کس وجہ سے یہ سورت نازل ہوئی، اس وجہ کو شان نزول کہتے ہیں. سورہ کافرون کا شان نزول یہ ہے، ابن اسحاق کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
वलीद इब्ने मुग़ीरा आस इब्ने वाई असद इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और उमय्या बिन सलम ये चारों काफिरों के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिदमत में आए और कहने लगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ आपस में सुलह कर लें। अब ये लड़ाई झगड़े का वक्त आपस में हम कंप्रोमाइज कर लें सुलह कर लें। इस बात पर एक साल आप हमारे गुरुओं की पूजा करो और एक साल हम अपने आपके मांगों की इबादत करेंगे। सुबह काफिरों नाजिल बोलिया अय्युहल काफिरून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जवाब में कहिए ऐसी सुलह हरगिज नहीं हो सकती। कुफ्र और शिर्क पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो ये सूरत शरीफा नाज़िल हुई इसमें कुफ्र और शिर्क से बिल्कुल बराबर जाहिर की गई। इसी तरह से दूसरा शर्त नज़री है इब्राहिम ने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मेरा दीन मेरे लिए एक
तीसरी रिवायत। अब उस स्वामी ने रिवायत बयान की है अल्लाह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुफारे मक्का के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुलह के लिए एक पेशकश की कि आप बस इतना कीजिए कि हमारे लोगों को मोहब्बत से छू लीजिए, हमारे दिल को तसल्ली हो जाए। इस पर हजरत बीबी बेगमीन ये सूरह काफिरून लेकर नाजिल हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया खबरदार, ये सुलह हरगिज नहीं हो सकती कुफर और शिर्क। अब यहां से हमें यह मालूम हुआ आजकल जो सरकारी मुसलमान है ना, सियासी मुसलमान, हम नारे नाम ये बोल रहे हैं अभी आरती भी उतार रहे और मुजस्मे पर फूल की मालाएं भी चढ़ा रहे। याद रखो ये कुफ्र है, ऐसा करने वाला काफिर हो जाता है। लिहाजा उसे दोबारा कलमा पढ़ के फिर से इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। अगर वो उसी हाथ में मर जाए तो काफिर मरेगा। कुफ्र से कोई कंपरमाइज हो ही नहीं सकता। जमीन पे, जायदाद में, सियासत में कंपरमाइज हो सकता है, लेकिन ईमान और कुफ्र का कंपरमाइज नहीं हो सकता। जहां ईमान है वहां कुफ्र नहीं होगा, जहां कुफ्र आ जाए तो फिर ईमान ही रहेगा। अब याद रखो मेराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तीन तोहफे अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने शबे मेराज में मुझे तीन तोहफे अता फरमाए। पहला तोहफा नमाज का, 50 नमाजें पढ़ूंगी, फिर वजू कम करने की दरख्वास्त पेश करते रहे, कम होते होते 5 बाकी रह गए और आपने फरमाया था मैं इस पर राजी हूं। अल्लाह ने फरमाया हमने जो कह दिया सो कह दिया, हमारी बात बदली नहीं जा सकती। लिहाजा हमारी उम्मत अगर 5 नमाजों का एहतमाम करेगी तो 50 नमाज अदा करने का मैं सवाब होगा। दूसरा तोहफा सूरह बकरा की आखिरी आयतें हुजूर को मेराज में अदा किए, आमना रसूलू से लेकर फंसुरना अदल कौमिन काफिरी तक सूरह बकरा की आखिरी दुआ इनमें क्या है? इनमें माफी ही माफी है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा कमा हमलतहू अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فلا ترى جواب من رحمة ربي جو تمہیں مانگ میں نے دے دیا. اور تیسرا تحفہ معراج میں आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मिला। अल्लाह ने फरमाया है मेरे नबी आपकी उम्मत अगर शिर्क से बच जाए तो मैंने उनके सारे गुनाह माफ कर दिए। तो एक मुसलमान के लिए सबसे अहम है तौहीद और कायम है और शिर्क से बच। शिर्क तीन किस्म का है।
شرک کی ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، جیسے کافر بتوں کو وہی درجہ دیتے ہیں جو مسلمان خدا کو درجہ دیتا ہے، یحبون کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہ ہے شرک فی الذات، ذات میں شریک کرنا، اور شرک کا دوسرا درجہ ہے شرک فی صفات، اللہ کی جو صفات ہیں ان میں کسی اور کو شریک کرنا، جیسے اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، وہ اولاد کا دینے والا ہے، وہی شفا کا دینے والا ہے، اللہ کی جو صفات ہے خاصہ ہے، کسی اور کے لیے صفات قرار دینا یہ شرک بھی صفات ہے، اور تیسرے شرک فی العمل، عقیدہ تو صحیح ہے لیکن عملا وہ مشرکوں کی طرح سے نفل کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ بھی شرک، تو ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا اور توحید پر ظاہر ہے، بس مسلمان اتنا کر لے، باقی عمل میں اگر ہوتا ہی ہے نماز پابندی سے نہیں ہوتے چھوڑ پکڑ کر ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ غفور رحیم، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گا، اللہ نے وعدہ کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن ربیبہ، ربیبہ کسے کہتے ہیں؟
किसी देवा से निकाह किया, अब उसके साथ बच्चे भी आ गए, बच्चे वाले उस वाली से निकाह किया, तो वो बच्चियां रमीमा कहलाती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमीमा है हजरत ज़ैनब। हुजूर ने नौफल बिन माविया से फरमाया, तुम हमारी बच्ची रमीमा की तरबियत करो। चुनाचे उन्होंने कह रसूल अच्छी बात। एक मरतबा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, आपने फरमाया नौकर कहो बच्ची क्या कर रही है। उन्होंने कह रसूल अल्लाह, मैंने उस बच्ची को उसकी वालिदा के पास छोड़ दिया। पूछा क्यों आए हो? अर्ज किया इसलिए कि आप मुझे कोई वजीफा बता दें जो मैं सोते वक्त पढ़ लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़कर सो जाया करो, इसमें शिर्क से बाप और बेजारी तिब्रानी की हदीस में है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर लेटकर इस सूरत को पढ़ा करते थे। तो फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ काफिरो ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी परवरिश नहीं करता जिनकी तुम परवरिश करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूं, यानी अल्लाह की तुम इबादत नहीं करते। ये तो फिर वक्त की हालत है और ऐसा भी तुम नहीं करोगे। वला अंतुम आबिदून, और मैं इबादत करूंगा उनकी जिनकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और न तुम इबादत करोगे उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूं, यानी तुमसे ईमान लाने की मुझे तवक्को नहीं है। लकुम दीनुकुम वलियदीन, लिहाजा तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुबारक हो, मेरा दीन मेरे लिए। ये सूरह काफिरून की तफसीर बयान की गई। उसके बाद हमने एक सूरत और पढ़ी, सूरह नस्र। इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। वरअयता नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आप देखें कि लोग अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं फौज दर फौज। तो आपके दुनिया में भेजे जाने का मकसद पूरा हो गया, लिहाजा वापसी की तैयारी में लगे रहिए। तो सब दिल भी हम की क्या वस्ता भी हो, बस आप तस्वीर बयान कीजिए अपने रब की तारीफ के साथ और उससे इस तरह बात कीजिए। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो अल्लाह तौबा कबूल करने वाले। ये सूरत सूरत नस्र कहलाती है, मदीने में नाजिल हुई। इसमें एक रुकू है और तीन आयत है। ये कुरान करीम की बहुत खास सूरतों में से है। इस सूरत का नाम सूरह तौबियों की है। सूरह तौबियों के माने रुख सकी है,
کیونکہ سورت محزوب کی وفات کی خبر دی گئی کہ آپ کا کام اب مکمل ہو گیا، اللہ کا دین غالب آ گیا، مکہ فتح ہو گیا اور لوگ جو در جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لہذا اب آپ واپسی کی تیاری کیجیے۔ اس لیے کیونکہ اس میں حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کی ابتدا دی گئی ہے، اس سورت کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارک مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، یہ سورہ نصر قرآن کی سب سے آخری سورت ہے، اس کے بعد کوئی اور سورت نازل نہیں ہوئی، ہاں کچھ آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد بھی آیتیں نازل ہوئی، لیکن یہ آخری سورت ہے جو قرآن میں نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی اور سورت نازل نہیں۔ ایک روایت اور سنو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورت حجت الوداع میں نازل ہوئی، اس کے بعد حجت الوداع سن 10 ہجری میں ہوا، حضور کا وہی پہلا آخری حج تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام عمرے کی اور ایک حج کیا، اور وہی حضور کا پہلا بھی حج تھا آخری بھی حج تھا۔ اس کے 2 مہینے کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے اس کو حجت الوداع کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر آپ کو یہ سورہ نصر نازل ہوئی، اس کے بعد کے وہ آیت شریفہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اس سورت کے بعد، اور ان دونوں کے نازل ہونے کے بعد حضور دنیا میں 80 دن تک حیات رہے، اس کے بعد پھر آیت کلالہ نازل ہوئی، یسألونک عن الکلالہ، کلالہ کے متعلق حکم نازل ہوا۔ کلالہ میں تو کیا ہے، کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ کوئی اصول ہو نہ اس کے فروع، اصول میں تو بارہ اوپر اس کا کوئی بھی نشان مر گئے، اور فرو بولتے نیچے کے بیٹے پوترے بڑا پوترے ان میں سے بھی کوئی نہ، اسے کہیں گے کلالہ۔ اس کی میراث کی تقسیم کیسے ہوگی، اللہ نے اس سلسلے میں آیت کلالہ نازل کرنا ہے، اور آیت کلالہ نازل ہونے کے بعد حضور دنیا میں 50 دن تک حیا ہے، اس کے بعد پھر وہ آیت شریفہ نازل ہوئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور 35 دن حیات رہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی وہ آیت شریفہ نازل ہوئی،
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया और हजरत उमर में जिम्मेदारी
में फरमाया कि जिस जिस के पास जो भी आयतें लिखी हुई हैं वो हमारे पास गए, आप दो गवाह भी पेश करना तो अल्लाह के नबी से सुनी है, अल्लाह के नबी से लिखाई हुई है। चुनाचे साहब आते थे पेश करते थे, अभी नजरात का काम था उसको लिखते थे। तो सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक के जमाने में कुरान जमा हुआ, यानी जो अलग अलग लिखा हुआ था ना वो इकट्ठा किया, और उसके बाद फिर वो कुरान हजरत उमर के पास आया। अबू बकर का इंतकाल हो गया, हजरत उमर खलीफा उनके पास आया, हजरत उमर के पास आ। अच्छा, सहाबा को ऐसे कुरान लिखे हुए की जरूरत नहीं थी, उनको तो हिफ्ज था। हजरत उमर का जब इंतकाल हुआ वो कुरान की उमर की बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा के पास आ। हजरत हफ्सा हुजूर की ज़ौजे मुतहरा भी थी, उमर की बेटी भी थी, उनके पास उस्मान रज़ी का दौर आया। उस्मान रज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सहाबा ने दूर दराज के ममालिक को फतह किया और इस्लाम वहां तक पहुंचा। तो जो सहाबा हुजूर से जैसे कुरान पढ़े थे, जिन मुल्कों में गए और लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उनको उस तरह से उन्होंने कुरान पढ़ाया। अब हुजूर फरमाते हैं انزل القرآن على سبعة أحرف، قرآن سات لغات پر نازل ہوا ہے، کیونکہ عربوں کے بڑے بڑے سات قبیلے تھے اور ہر ایک کی ٹونی الگ تھی، عربی زبان تھی لیکن ان کا لہجہ ان کا استعمال الگ تھا۔ तो सबकी गाय की इजाजत के हजूर में जो जैसा पढ़ सकता है, बातों की जुबान पकड़ती ही थी ना कि वो कबीलों से अभी भी अपने पास कबीले उन्हें क्या होते हैं हमारे को पता ही जाता, बना नहीं जैसे होता मुझे हमारे को फंसी अभी है तो समझ में आती। अब जो वहां के बाद कबीले वाले जो अरबी बोलते ना आलिम भी उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्या बात कर रहे हैं समझ नहीं आते, क्योंकि आधे अरब खा जाते हो आधे अरब नहीं खाते। अब इंग्लिश देखो, इंग्लिश तुम्हारा बड़े से बड़ा प्रोफेसर यूरोप में गया ना, हाँ जी अंग्रेजी सुना उसका दिमाग खराब हो जाता है, यहां की अंग्रेजी हमारी सीखी हुई है। अरुण पैदा हुए से जो है अंग्रेजी बोलते आधा लफ्ज तो अंदर ही रहता, उनके मुंह में से बाहर नहीं निकलता है। वो लंदन का है जो हवाई अड्डा है, हाँ पे मैं जब आ रहा था हैंडबैग जो है वहाँ मशीन में रखा, तो अंदर जो है अपने बार बार अपना के पूरे मशीन रोकी होगी गोली अवतार से रोकी रही है, उन्होंने बुलाया उन्होंने खोलो, अब उतनी तो बात तो कमेंट नहीं आती, हमारे को गुमार के अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन तीन साल इंग्लिश स्थान में रहे बर्तानिया।
मैं बोलने लगी वो पैकेट निकले मैंने सवाल किया कि वाय आप देखो इतना शॉर्टकट है अब फुल फॉर्म वगैरह करेंगे तो हमारे इंडियन को समझ में आती है क्या बोला और शॉर्टकट में बता हुआ है अब मेरे को तो भगवान के लिए आती बोला पान तो अहले जुबान जो बात करते हैं ना उनकी बात में बहुत कम फसाहत और मलावत होती और सारे अरबों की जुबान में सबसे फसी अरबी जो थी उस कबीले की थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा किए खानदान में कुरैश हिजाज मक्का मदीने को हिजाज बोलते हैं ये सऊदी ही के लोग ना हमें 100 साल हुए कब्जा कर सके असल उसका नाम है हिजाज हिजाज है मुकद्दस मक्का मदीना तो हिजाज वालों की अरबी सबसे फसी अरबी थी और अल्लाह ने अपने नबी की जुबान में कुरान नाजिल करना है ये कुरान की जो अरबी है ना ये अल्लाह के रसूल की जुबान है अल्लाह के रसूल की जुबान में यह कुरान नाजिल हुआ ये सबसे वसी जुबान है बहरहाल तो सुभान नबी रजी अल्लाह तआला के जमाने में दुनिया के दूर दराज के ममालिक पता हुए अफ्रीका पता हुआ सुभान नबी के बाद यहाँ तक के फौजें चाइना तक पहुंची हिंदुस्तान के साहिली इलाकों तक पहुंची इस्लामी फौजों ने मुल्कों को पता किया तो जिसने जैसा कुरान सीखा था अपने शागिर्दों को वैसे ही पढ़ाया अब एक सहाबी का शागिर्द पढ़ रहा था एक तरीके से दूसरे सहाबी का शागिर्द पढ़ रहा दूसरे तरीके से अब दोनों में हो गया झगड़ा एक बोला तू गलत पढ़ रहा वैसे ही पढ़ो दूसरे ने कहा वैसे ही पढ़ो तू गलत पढ़ रहा अब ये जगह पहुंची अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला कुरान के बारे में लोगों में इख्तलाफ हो रहा है तो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने फिर एक मरतबे कमेटी बनाई जिसमें 3 सहाबी तो थे मुहाजिरीन में से और एक अंसारी ज़ैद इब्न साबित बाकी 3 सहाबा मुहाजिरीन थे यानी अल्लाह के नबी के अहले खानदान में से थे चुनाचे उस्मान गनी ने फरमाया कि फिर से नुस्खा कुरान पाक का तैयार कर जो हुजूर की जुबान में जो अरबी है ना अल्लाह के नबी जिस तरह से कुरान पढ़ते थे उस तरह से तुम भी पढ़ो एक नुस्खा तैयार हुआ फिर आपने उसकी नकल करवाई साफ नुस्खे तैयार करवाए उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला और ऐलान फरमाया अब ये जो कुरान है ना यही उम्म है उम्म बोले तो असल यही असल है आप कोई भी पढ़ना है ना यही कुरान पढ़े जो अल्लाह के नबी की जुबान है बाकी दूसरी कोई जो है खिलत न पढ़े मना किया है तो अब सारी उम्मत जमा हो गई एक ही खिलत पढ़े इसीलिए उस्मान गनी को जामियुल कुरान कहा जाता है जमा तो अबू बकर सिद्दीक के दौर में हुआ लेकिन एक किरत पर सबको जमा किया हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला इसलिए उनको जामियुल कुरान कहा जाता है बहरहाल ये सूरह नस्र है सबसे अखीर में नाजिल हुई इसके बाद अगरचे आयतें कुछ नाजिल हुई लेकिन कोई और सूरत इसके बाद नाजिल नहीं हुई उसके बाद सुनो हजरत अब्द इब्न हुमैद ने हजरत कतादा का कौल नकल किया है कि सूरत के नाजिल होने के बाद हुजूर
लेकिन सही पहली रिवायत इनके मुताबिक ये फतेह मक्का के मौके पे नाजिल और हुजूर की वफात रबी अव्वल सन 11 हिजरी में। एक हदीस मुखातिब की रिवायत है, जब ये सूरत नाजिल हुई इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, जिसमें खुशखबरी दी गई फतह की और नुसरत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे के सामने इस सूरत शरीफा की तिलावत फरमाई। उस मजमे में अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर भी थे, साहब भी नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, हुज़ूर के चचा हजरत अब्बास भी थे। सहाबा ने जब इसमें अल्लाह की नुसरत और फतह की खुशखबरी सुनी बहुत खुश हुए, लेकिन हुजूर के चचा अब्बास सुनकर रोने लगे। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ, अरे तो नुसरत और फतह की खुशखबरी है, इसमें इसमें रोने की क्या बात थी, ये हजरत क्यों रो रही क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, सारे सहाबा तो खुश हैं लेकिन जीजा रो रहे हैं। पूछा, जीजा आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अब्बास ने उन्हें किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि इस सूरत में आपके वफात की खबर दी गई है। अल्लाह के नबी ने तस्दीक फरमाई, चचा सच कह रहे। बुखारी शरीफ में भी यह हदीस मौजूद है। हजरत उमर ने फरमाया कि इस सूरत का यह मतलब मैं भी यही समझता था, इसमें अल्लाह के नबी की वफात की खबर दी गई। तो फरमाया إذا جاء نصر الله والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، یا فتح سے مراد فتح مکہ، مکے کی فتح، سارے عرب کے قبیلے اسلام سے رکے ہوئے محض اس لیے تھے کہ وہ مکے کے قریش کا فیصلہ دیکھنا چاہتے تھے، और वो अभी तक ईमान नहीं लाए थे। लिहाजा बाकी अरब के जमीन है ईमान नहीं लाए, इनके इंतजार में थे। जब मक्का फतह हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां माफी का ऐलान किया, अपने जान के दुश्मनों को, खून के प्यासों को जब हुजूर ने माफ कर दिया, वो इतने मुतासिर हुए कि 20 साल से आपसे दुश्मनी करने वाले कट्टर दुश्मन, लेकिन आपके अखलाक से इतने मुतासिर हुए कि एक दिन में सुबह से शाम तक 2000 मक्के के काफिर मुसलमान हो गए, 2000 आदमी मान रहे। फिर क्या था, जो खबीरे इंतजार में थे मक्के के कुरैश के ईमान लाते थे, जब पता चला ईमान है फिर क्या था, जौ दर जौ सबीले के सबीले, वफूद के वफूद का रुख मदीने की तरफ हुआ। ईमान लाकर हजूर की खिदमत में पहुंचे और हजूर ने फिर उनको इस्लाम की तालीम दी। चुनाचे फतेह मक्का के असबाब क्या थे, मक्का किस तरह से फतह हुआ, उसकी हम तफसील बयान करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे जमाने में ये मोबाइल का कैंसर ऐसा लग गया कि जाहिरा तो जाहिरा, आलिमा भी
चार वर्ष मोबाइल सलाम भेज के मोबाइल की, अरे दो आखिर में भेजा रहा है, यानी नमाज में मोबाइल बचते रहता है। अभी मैं बेचे हैं हालांकि इमामत का बेचे हो गए, क्या हुआ कि क्या नहीं, क्यों मोबाइल आ रहा, क्यों आ रहा, मोबाइल पर अल्लाह की लानत हो, सुकून छीन लिया है। पहले तो इतना सुकून से नमाज़ होते थे, अभी अब नमाज़ में सुकून से नहीं हो रहे। हाँ, इसका इस्तेमाल सही अगर है तो सही है। नेट कितना हुआ इस मोबाइल ने मौलवियों को पढ़ने से महरूम कर दिया। किताबा के क्या है कई रास्ते और जीनत के वास्ते हुए बहुत सारे यानी पढ़ने की फुर्सत का नहीं, मोबाइल जो है फुर्सत दिया तो पढ़ी में आनी है। अच्छा, बच्चों के पास मोबाइल, अम्मा बाबा फोन करते हैं, अम्मा रोती मैं भी रोते बैठता है, अब वो मार के सबक याद नहीं होते, फिर उस्ताद की डेरे मिठाई खाते रहते हैं। याद रखो सही इस्तेमाल से नहीं, उसके लिए वक्त ठीक से करो, जब तक जो है स्विच ऑफ करो है तो साइलेंट करो, जब तुम्हारी जरूरत है ना उसके बाद फिर देखा। तो इसने पढ़ने से हमें महरूम कर दिया, हम मुताला लिया, इसलिए गनीमत समझो ये दर्स या बयानात, गनीमत समझो इससे कुछ ना कुछ मालूम हासिल हो। एक सामने में मसाब मेरे मोबाइल में पूरे हदीसा है, हदीसा की किताब है, बुखारी मुस्लिम सब है, मतलब पढ़ा किताबें तो जरूरत पड़ी झगड़े की एक हदीस मिल गई तो बस उसी में झगड़े करते फिर हाथ यहाँ बनना क्या यहाँ बनना, नमाज में पाँव खरीब रखना क्या दूर फैलाना, ये झगड़े को सुलवाना है। बस ये वो मोबाइल में हमेशा जो है ना वो खाली काम करते हदीस एक को पढ़ रहे थे, अब बाकी बुखारी पढ़ने से महरूम हो गया, हदीस की किताबें पढ़ने से महरूम हो गया। अल्लाह हमें जो कई मौका करना है तो वह हालत फतेह मक्का कि असबाब क्या है याद रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं, आप 53 साल अपने वतन अजीज गए, उसके बाद हालात ऐसे हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतन छोड़ के मदीना रवाना हो गए। आपके दिल में ये बात थी कि वतन छोड़कर जा रहा हूं, उस वतन में काबतुल्ला है, हजूर को बहुत अजीज, आपको ख्याल आया पता नहीं कि वतन में वापिस आऊंगा या नहीं, पहाड़ों पर खड़े मक्के पर एक नजर डाली, फरमाया ए मक्का, ए मेरे प्यारे वतन मक्का, सरजमीन में अल्लाह की निगाह में तू सबसे प्यार, अगर तेरे रहने वाले मुझे तुझसे निकलने पर मजबूर न करते मैं कभी तुझे नहीं छोड़ता। तो हुजूर मायूस हो गए, पता नहीं फिर वतन वापिस आऊंगा या, अल्लाह ने आयत शरीफा नाज़िल फरमाई जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाज़िल फरमाया वो अल्लाह बेशक आपको आपके वतन की तरफ वापिस लौटाएगा, आप वतन वापिस लौटे
एक साल गुजरा, दो साल, पांच साल गुजर गए, हालात नहीं बने, क्योंकि कई जगह हो गई, जगह बदल गई। सन 2 हिजरी में, 3 हिजरी में जगह बहुत हुई, 5 हिजरी में जगह खंदक हुई, यानी हुजूर को मौका ही नहीं मिला अपने वतन मक्का जाने। यहां तक कि 6ठा साल आ गया सन 6 हिजरी, एक दिन हुजूर आराम फरमा रहे हैं, तो ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा कि आप सहाबा के साथ मक्का पहुंचे हुए हैं, एहराम बांधे हुए हैं, काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। ख्वाब में देखा, फिर बाद सहाबा को देखा कि उम्रे के बाद बालम हटा रहे, बाद जो है बालम का करवा रहे। ख्वाब से जब बेदार हुए तो हुजूर के दिल में काबतुल्लाह का शौक पैदा हुआ। चुनांचे आपने सहाबा से फरमाया कि हम उम्रे के लिए जा रहे हैं, जो भी हमारे साथ आना चाहे वो हमारे साथ चले। 1400 सहाबा तैयार हो गए, 70 ऊंट कुर्बानी के साथ में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हुलैफा पर पहुंचे, वहां से एहराम बांधा। मदीने वालों के मीकात ज़ुल्हुलैफा, मदीने से 10 किलोमीटर मक्के की तरफ, वहां से एहराम बांधा जाता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा है, ज़ुल्हुलैफा पर एहराम बांधा उम्रे के लिए, और आप चल दिए। यहां तक के मक्के के एक मंजिल दूरी पे पहुंचे, आपने वहां पड़ाव डाला, उस मुकाम का नाम था हुदैबिया। हुदैबिया, अब इस नाम का कोई मुकाम नहीं है, अब उसका नाम बदल के शमसिया रखा गया है, जैसे हबशा, अब हबशा कोई मुल्क नहीं है, उसका नाम अब है एथोपिया, अफ्रीका में हबशा नाम का कोई मुल्क नहीं है, उसका नाम बदला और उसका नाम है एथोपिया। जहां सहाबा ने पहली हिजरत की थी, तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ हुदैबिया में क़याम करते हैं, और फिर आपने अपना नुमाइंदा मक्का रवाना करना चाहिए, कि मक्के वालों की हुकूमत थी मक्के पे मुशरिकीन की, तो जाहिर बात है इजाजत की जरूरत थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर और उमर से मशवरा किया, और मैं अबू बकर को जाऊं इत्तला दूं। अबू बकर सुनने ने कहा मैं नहीं जाता, उमर से कहा उमर तुम जाओ। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, पहले तो मेरे दुश्मन आए हो, मेरे से तो बहुत चिढ़ते हो, आप ऐसा करो उस्मान गनी को भेजो, क्योंकि उस्मान गनी से मक्के वाले भी मोहब्बत करते हैं, आपके अखलाक आपकी सखावत से बहुत मुतासिर थे मक्के वाले, हालांकि कट्टर काफिर है, लेकिन उस्मान गनी के लिए उनके दिल में कभी भी मोहब्बत थी। तो मशवरा दिया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान गनी को दे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी को भेजा। फरमाया जाकर सरदार ने मक्का से कहो कि हम एहराम मांग कर उम्रे के इरादे से आए, और हमारे
साथ कुर्बानी के मूड भी है, लिहाजा हम लड़ने के वास्ते नहीं आए, हम सिर्फ अल्लाह के घर का तबाह करके उम्रा अदा करके वापिस हो गए। इजाजत पे बोला उस्मान अली पहुंचे, आपके खानदान के लोग वहां मौजूद थे। उस्मान अली रजी अल्लाह तआला मक्के के सरदारों से मिले, काफिर सरदारों से, और हुजूर का पैगाम किया। लेकिन मक्के वालों के दिमाग पे वो जंग और दुश्मनी भरी हुई थी, उन्होंने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया कि हम तो इजाजत नहीं देंगे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक इत्तला पहुंची, अफवाह पहुंची कि उस्मान गनी को मक्के वालों ने कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी को बहुत जलाल है, आपने हुक्म दिया, पूरे सहाबा जमा हो गया। एक बबूल के दरख्त के नीचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, 1400 सहाबा से हजूर ने वहां बयात ली। ये बयान जिहाद थी कि हम तो जरूर मक्के में दाखिल होकर रहे थे, अगर काफिरों ने रुकावट पैदा की तो हम उनसे लड़ेंगे आखिरी खून के सफरे। 1400 सहाबा में हुजूर के हाथ पर गए, उधर इतना मिली कि उस्मान गनी हया थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहां उस्मान गनी का है, हुजूर ने अपने दूसरे हाथ पर रखा और उस्मान गनी की बैत गायबाना हुजूर ने की। अल्लाह ने फरमाया यहां नबी का है, बीच में सहाबा का है। यदुल्लाह फौका अईदीहिम, उनके हाथों पे अल्लाह का हाथ था, इसको बैत रिजवान कहला है। हुदैबिया के मौसम पे हुजूर ने बैत ली थी, इसी वजह से ये तसव्वुफ में बैत करने का तरीका है। शेख के हाथ पर बैत की जाती और ये बैत कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। बैत मतलब क्या? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट शिर्क नहीं करूंगा, कुफर नहीं करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, सच बोलूंगा, झूठ नहीं करूंगा, ये भी एग्रीमेंट है। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा से बयात की, जब उन्होंने इनकार कर दिया मक्के वालों ने जज्बात में आए तो हुजूर भी तैयार हो गए। जब मक्के वालों को इसका पता चला तो मक्के वाले सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि इससे पहले 3 लड़ाई लड़े थे हुजूर के साथ, आपकी ताकत का अंदाजा हो चुका था, आप कोई और लड़ाई बोल लेना नहीं चाहते थे। लिहाजा उन्होंने अपने कमिश्नर को भेजा कि जाके सुलह करा, कॉम्प्रोमाइज, लड़ाई नहीं होना। क्यों? अगर उन्होंने दाखिल हो गए मक्के में तो पूरे अरब में हमारे खिलाफ गुमागो हो जाती, क्या जी मक्के के लोग कमजोर पड़ गए, उनके दुश्मन आए, उनके गांव में घुस के उमरा करके चले गए, लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो पूरे सभी लोगों में बदनामी हो जाएगी, ऐसा कैसा तो भी कॉम्प्रोमाइज कर। बराबर है,
उसमें ये बात भी थी जो दोस्त सकीले पे हमला कर रहे
तो पाकिस्तान पे हमला की बात किया देगा और महंगा समझेगा। चौथी शक्ति सुहेल ने पेश की कि अगर कोई हमारा आदमी मदीना चले जाए तो मुसलमान उसको वापिस कर देंगे, चाहे मुसलमान बन के क्यों न गया। अगर मक्के का कोई आदमी मदीना चला गया तो मदीने वाले उसको वापिस हो गए, और अगर मदीने का कोई आदमी हमारे पास आया हम वापिस नहीं करेंगे। ठीक है, इसको कट कर। अली ने कहा
मैं उसका मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तहरीका हुजूर ने लिया। हालांकि आप उम्मीद है अगर बराबर उस वक्त के इतराब ने डायरेक्ट किया है, ये भी आपका मौजूदा बहरहाल तहरीरें हो गई। दोनों जानिब से दस्तखत हुए गवाहों के साक्षीदार उनके भी दस्तखत हो गए दोनों जानिब से। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया माहदे के मुताबिक हम उमरा नहीं कर सकते, लिहाजा कुर्बानी के जानवर को हरम में भेज दो कि वहां जाकर वो जीवा हो जाए और तुम लोग जो है उमरा उमरे से लाल हो जाओ, अपने सर मुड़ा लो। लेकिन सहाबा पर इतना सदमा था, एक सहाबी भी बात मानने को तैयार नहीं। हालांकि हुजूर पर जान निछावर करने वाले साहब, लेकिन इतना उनको हम गुस्सा था सदमा था कि उतने दूर से हम उमरा के लिए आए थे और इन्होंने हमको रोक दिया। अब हुजूर भी उनकी बात की तायीद कर रहे हैं और कह रहे हैं चलो वापिस एहराम खोल, एक साहब भी मानने को तैयार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ, क्या हो गया है मेरी बात नहीं मान रहे। चुनाचे वो हुजूर अपने खेमे में तशरीफ ले गए आपके जो शामियाना बनाया गया, वहां पर आपकी ज़ौजे मुत्तहरा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा मौजूद थी। बड़ी असलमत थी, हजूर ने उनसे कहा कि इनको क्या हो गया है ये मेरी बात मान नहीं रहे। सलमान आप उन पर गुस्सा ना करो, वो बहुत सदमे में है, तो नाफरमानी नहीं कर रहे हैं लेकिन इतने ही सदमा है या रसूल अल्लाह आप उनको हुकुम देने के बजाय ऐसा करो आप एक सहाबी को बुला के अपने बाल ही उड़ा दो राय पसंद आए। चुनाचे हुजूर ने एक सहाबी को बुलाया, जब उन्होंने हुजूर के बाल उड़ाने शुरू कर दिए तो सहाबा को उम्मीद थी कि हुजूर अपना इरादा बदल देंगे और उमरा करके ही जाएंगे, लेकिन जब देखा हुजूर बाल उड़ा रहे हैं तो सहाबा के सब्र का पैमाना चला गया, उनकी आंखों में आंसू आए और उसके बाद फिर हर सहाबी ने अपने बाल उड़ा लिए और एहराम से निकल गए। उस वक्त हुजूर के जो बाल थे ना तबरुकन सहाबा में तकसीम किए गए, उसको हुए मुबारक कहा जाता है, यानी बहुत से मुकामात पे हैं हुए मुबारक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबारक बाल। तो कश्मीर में एक मुकाम है हजरत बल दरगाह हजरत बल, हजरत बल कोई हजरत सोए नहीं खबर में बल्कि हुजूर के बाल मुबारक है वहां रबी अव्वल में उसकी जियारत करे जाए और बहुत से मुकामात पे भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस हो गए, लेकिन आपको उम्मीद थी कि अल्लाह ने पता है कि खुशखबरी दी है। अच्छा वापिस लौट रहे ही बज़ाहिर नाकामी के साथ, लेकिन रास्ते में अल्लाह ने सूरह फतह नाज़िल फरमाई इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना, बेशक हमने आपको फतह मुबीन अता किया। हमने सोचा ये कैसी फतह, हम तो हर शर्त उनकी कबूल करके आ रहे हैं और अल्लाह ने इसको फतेह मुबीन फरमाया। लेकिन बाद में पता चला वाकियत सुलह हुदैबिया फतेह मक्का का पेश खेमा थी। हुजूर को यकीन था कि मक्के वाले ये मुआहदा जरूर तोड़ेंगे
और अल्लाह हमें फिर मौका देगा, हम इन पर चढ़ाई करेंगे और मक्के को फतह करेंगे, पहले उनकी तरफ से होगी। चुनांचे दूसरे साल हुजूर उस उमरे की खजा करने के लिए तशरीफ ले गए एहराम बांध कर, और आपने उमरा अदा किया जो खजा था, तीन दिन के लिए मक्के वालों ने मक्का खाली कर दिया था। तीन दिन के बाद उनका आदमी आया, कहा वादे के मुताबिक तीन दिन पूरे हो गए, अब आप वापिस चल जाओ। हजूर ने फरमाया हाँ, और साहब आपको किस लौटने का हो, एक साल गुजर गया, दूसरा साल आया, 22 महीने हो चुके थे सुलह होने की, आपको 22 महीने, हालांकि 10 साल जंग बंदी का मायदा हुआ था ना, नहीं तो 22 महीने हो गए, एक हादसा पेश आया, मुसलमानों के दोस्त कबीले बनो खुज़ा पर, मक्के के मक्के वालों के दोस्त कबीले बनो बिग्र की एक शाख बनो निफासा ने बनो खुज़ा पे हमला कर दिया। रात के मौके पर शबखों मार, तो बनो खुज़ा जान बचाने के लिए हरम में दाखिल हो गए, कि हरम का एहतराम तो काफी भी करते थे, जहां जंग को जिधर हराम है, और जब वो हरम में दाखिल हुए तो बनू बिक्र के कबीले वाले हरम में पहुंचकर उन पे हमला किया। अच्छा, उनके साथ कुरैश मक्का के चंद सरदार मुंह को फाटे बांध के वहां भी शामिल हो गए। सफवान बिन उमैया, इकरमा बिन अबी जहल, सुहैल बिन अमर, शैबा बिन उस्मान, उवैद बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये कुरैश के सरदार बनू बिक्र के साथ मिलकर बनू खुज़ा में हमला किया, और उनके 13 आदमियों को कत्ल किया, बाकियों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। यदि यह हादसा पेश आया, इसका मतलब यह था कि मक्के के कुरैश ने माहिदा तोड़ दिया, जंगबंदी का जो माहिदा था ना, उन्होंने उसके खिलाफ वर्जी लड़ाई के बाद बनु खुज़ा कबीले का सरदार अम्र बिन सालिम अल खुज़ाई 40 सवारों को साथ में लेकर मदीना रवाना हुआ, हुजूर को इत्तला देने के बाद के कुरैश मक्का ने महदे के खिलाफ वर्जी की, हम पे हमला किया। उधर अल्लाह ने हुजूर को पहले से इस वाक़े की इत्तला दे दी कि मक्के वालों ने महदा तोड़ दिया और तुम्हारे दोस्त कबीले बनो खुज़ा ने हमला किया, अरब में 13 आदमी कत्ल कर दिए। जब बनो खुज़ा का सरदार मदीना पहुंचा, हजूर से गुफ्तगू करना चाहता था, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे उस वाक़े की इत्तला दे दी है। उसने कहा फिर अब कैसा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर घसीटते हुए खड़े हो गए और फरमाया ए अम्र, अगर मैं तेरी मदद उस कुव्वत के साथ ना करूं जिस कुव्वत से अपनी खुद मदद करता हूं, तो खुदा करे मेरी मदद न की जाए। उसके बाद ये वाकया सुलह के 22 महीने के बाद पेश आया,
शाबान का महीना, फिर हुजूर ने एक सहाबी को भेजा मक्का। तीन बातों में से एक बात का हुजूर ने मुताबिक किया। पहली बात, बनु खुज़ा के मक्तूलीन की दियत अदा करें, यानी जितने अपना मरे हैं ना उनका जुर्माना अदा करें। जुर्माना क्या है? एक आदमी के बदले 100 ऊंट दियत कहलाती है। खूब बात हुज़ूर ने फरमाया 13 आदमी जो खत्म हुए ना उनका खून बहा अदा किया जाए। अच्छा, अगर ये नहीं करते तो फिर तुम्हारे दोस्तों से जो दोस्ती का वायदा तुमने किया वो वायदा खत्म करो, फिर हम उनको देख लेते, तुम बीच में से हट जाओ। और अगर तुम्हें ये भी मंजूर नहीं है तो सुलह फिर खत्म समझो, वो सुलह खत्म समझो, फिर हम कभी भी हमला कर सकते। ये तीन बातों का इख्तियार हुजूर के खासी जब पहुंचे ये तीनों बातें पेश की तो मक्के के सरफिरे नौजवानों ने कहा पहली दो शर्तें तो हमको मंजूर नहीं है, तीसरी बात मंजूर करते, सुलह खत्म तो खत्म। हुजूर के खासी वापिस आए या रसूल अल्लाह, उन्होंने वायदा खत्म किया, यानी हम कभी भी अब उन पर हमला कर सकते हैं। हुजूर ने फरमाया कि अब जो है हमें इख्तियार है कि हम कभी भी मक्के पे अड्डे कर सकते, क्योंकि वहां सुना के वायदे के हम पाबंदी रहे। उन्होंने वायदा तोड़ा। उसके बाद हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि मक्के पर चढ़ाई की तैयारियां शुरू कर दे, लेकिन ये इत्तला किसी को ना पहुंचे। और हुजूर ने दुआ की कि अल्लाह हमारी तैयारियों की इत्तला मक्के वालों तक न को पहुंचाए। ये दूर वाले और ये कामा वाले मजदूर इनके जरिए अफवाह चल जाती ना जी, या अल्लाह इनको रोक दे मक्के वालों से, हम अचानक इन पर अटैक करना चाहते। हुजूर ने तैयारी पर रोक दिया। उधर मक्के वालों का एहसास हुआ, अरे हम ये क्या कह रहे बैठे बिठाए, अमन खत्म हो गया। लिहाजा सब ने अबू सुफियान से कहा, अबू सुफियान सबसे बड़े सिपे सालार थे उस वक्त पूरे काफिर हो गए। अबू सुफियान ऐसा करो तुम जाओ मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तजदीद सुलह तजदीद मुआहदा करो, यानी फिर से सुलह का मुआहदा करके आओ। अबू सुफियान चले मदीना पहुंचे हुजूर की खिदमत में और कहा जी मैं दोबारा सुलह करने के वास्ते आया। अल्लाह के नबी इतने नाराज हुए उससे बात भी नहीं की, अपने चेहरे मुबारक को फेर दिया। अबू सुफियान मायूस होकर अबू बकर के पास गए, अबू बकर तुम्हारे नबी तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे, तू तारा शिवानी। अबू बकर कहे मैं नहीं बोलता रे भाई, उनके वतन के नबी थे वो, मैं इस सिलसिले में नहीं। उमर के पास पहुंचा का उमर तो मेरा दोस्त है तू तो भी शिवानी। उमर ने कहा अगर मेरे पास हथियार नहीं दिए कोड़ा भी रहा ना कोड़े से मार के तेरे पीछे रख तो बेटा। फिर अबू सुफियान अली के घर पहुंचे और अबू सुफियान ने कहा अली तू मेरा सबसे करीबी रिश्तेदार है, कहना तू को भी सिपाही। अली ने कहा चाचा अल्लाह के नबी को मुझसे थे मैं सिपाही नहीं हो सकता। अबू सुफियान ने कहा बेटी फातिमा तू तो अपने बाबा से सिपाही है। फातिमा ने कहा बेटा मैं नहीं कर सकती सिपाही,
छोटे बच्चे थे हसन, कहा ठीक है ये बच्चा सिफारिश करा तो मेरे दिल को इतना हजरत फातिमा ने कहा ये बच्चे बच्चा क्या सिफारिश करी। बहरहाल अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर की ज़ौजे मुतहरा रिश्ते थे, हुज़ूर के ससुर थे, लेकिन उस वक्त काफिरों के बड़े सरदार थे, बाद में ईमान लाए थे फतेह मक्का के बाद और ईमान ही के साथ ईमान हुआ सहाबी बने। तो अबू सुफियान अपने बेटी के घर गए तो बेटी ने जो बिस्तर बिछा हुआ था बाप आने का लपेट के उठा के रख दी। अबू सुफियान ने कहा बेटी क्या बात है, मैं इस बिस्तर पर बैठने के साबिल नहीं हूं या बिस्तर मेरे बैठने के साबिल नहीं। और मैं हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा था कि अल्लाह के नबी का बिस्तर है, आप काफिर हैं यहां आप इस बिस्तर पर बैठ नहीं सकते, ये अल्लाह के नबी का बिस्तर है। अब उस सुफियान बहुत उठ गए कि तू बहुत बिगड़ गई। हमने हबीबा ने कहा था तुम इतने असलमंद हैं तुम्हें तो ईमान आना चाहिए, अब बात को कबूल करना चाहिए, अब तक क्यों है रह गए। बहरहाल हजरत अली से अबू सुफियान ने पूछा फिर मैं क्या करूं तू ही बता। अली ने कहा बाकी कोई बात मेरे समझ में नहीं आ रही। हाँ इतनी बात मेरे समझ में आ रही, इतनी बात मेरे समझ में आ रही है कि तुम मस्जिद नबवी के सहन में खुद ऐलान कर दो, सुलह का ऐलान कर दो, क्योंकि बनी के नाना के बड़े सरदार हो, मस्जिद के सहन में खुद ऐलान कर दो मैं सुलह का ऐलान करता हूं। अबू सुफियान ने कहा इससे कुछ फर्क पड़ ना है। अली ने कहा वो तो मेरे समझ में नहीं आया मगर इतनी बात समझ में आ गई तुम खुद ऐलान करके चलना। चुनांचे अबू सुफियान ने गनीमत समझा मस्जिद नबवी के सहन में ऐलान किया कि मैं दिल से सुलह का ऐलान करता हूँ, ऊंट पर बैठ कर चले गए। मक्के वाले इंतजार में थे, जब पहुंचे तो पूछे सरदार क्या करके आए, कहा मैं ऐसा ऐसा ऐलान करके आया। उन्होंने कहा कुछ नहीं करे थे, अली ने तो तुमसे मजाक किया है, ये सुलह को मानी था। बहरहाल मक्के वालों पर खौफ जारी हो गया कि कभी भी मुसलमान मक्के में हमला कर सकते, खौफ पैदा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी का हुक्म किया और सहाबा से फरमाया था ये राज राज रखना, इसको फाश न करना। मैं तो अचानक मक्के वालों पर अटैक करना चाहता हूं, उनको संभलने की मोहलत भी नहीं देना चाहता कि उन्होंने सुलह का वादा खूब तोड़ा। उस जमाने में एक औरत मक्के से आई मदीना, ये औरत का नाम था सारा, ये हजूर के खानदान की ये बानी थी, इसका काम था गाना बजाना, ये गाने वाली थी। ये मदीना है, अल्लाह के नबी को जो पता चला आपने बुलाकर पूछा क्या तू मुसलमान बनकर आई है, कहने लगी ना अभी क्यों आई। उसने कहा जी मैं खाने को भूखी हो गई, अब परेशान होकर मदद के वास्ते आई। ने फरमाया वो नौजवान क्या हो गए, तुझ पर जो अपने पैसों की बारिश करते थे, कहने लगी वो सब बदर पे मारे गए, अब तुम लोग मेरा सहारा थे, तुम भी मक्के से यहां आ गए, फिर आप कोई भी नहीं मेरी मदद करो। अल्लाह के नबी ने सहाबा को फरमाया इसकी मदद करो, चलो कई बार ने काफिला है लेकिन बहरहाल मोहताज है उन्होंने मदद का हुक्म किया। अब सहाबा ने मदद कि वो वापिस जाने लगे। एक सहाबी है हाकिम बिन अबी बलदा, ये महाजरी है लेकिन असल वतन मक्का ही था, दूसरे गांव से आके मक्के में बस गए थे। तो जब हिजरत की तो बाल बच्चे मक्के में छोड़ के आ गए, इनको फिक्र हुई अगर अल्लाह के नबी ने मक्के में हमला किया
मेरे बाल बच्चों को कैसा होना है? ये मक्की के काफिर मेरे बाल बच्चों को सुकून से नहीं रहने थे। तो उन्होंने सोचा मैं मक्के वालों पर एहसान करूं, उसके बदले में वो मेरे बाल बच्चों की हिफाजत करें। उन्होंने खत लिखा मक्के के सरदारों के नाम के जरा अपना एहतियात कर लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में हमला करने वाले। ये खत लिख के वो औरत को दिया, ये खत मक्के के सरदारों को पहुंचा। अब वो औरत वो खत लेके चली, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाई दिया कि एक औरत इस्लाम का राज लेकर जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन सहाबी को बुलाया और फरमाया तेज रफ्तार घोड़े से जाओ, यहां से तीसरी मंजिल पर रोज़े खास पर एक औरत तुम्हें मिलेगी ऊंटनी पे सवार, इस्लाम का राज लेकर वो जा रही है। वो राज लेकर खाली वापिस आ अभी न चले, और हुजूर जैसे बताए थे फिक्स टाइमिंग, इन्होंने वहां जाने को उन्हें वहां से निकलने, इन्होंने उसको घेर लिया, आरोप उतर नीचे जो राज लिटा गई है वो हमारे हवाले पर। उसने कहा हट, मेरे पास कोई भी राज नहीं है। देखा इन्हें तो इनकार कर ही, अल्लाह के नबी तो फरमाए इसके पास है, अल्लाह के नबी तो सच्चे हैं, जरूर एक काम भी छुपा के रखी होगी बेटी है। उसने उसको धमकी दी, देख इज्जत से दे, मैंने तेरे कपड़े उतार दे। वो घबरा गई। उस जमाने में एक मामूली लौंडी की बाया होती थी, आज शरीफों के लाले पड़े हुए नहीं। अलमाया हो मेरा ईमान हया, ईमान क्या शोभा है। बहरहाल जब धमकी दी उसने कहा उधर देखो मैं निकाल के ले, उन्हें वो चिट्ठी चोरे में रखी थी अपने, पहले का फैशन दौरे जाहिलियत का ये था, अब औरतें पीछे है चोड़ा बनते हैं, पहले वाला ऊपर लेके चोड़ा बनते थे, जैसे वो फुवारे वाला हो रहता ना, एंड हाँ उस तरह से उस चोड़े में छुपा कर दी थी, निकाल के दी। अब ये साहब उसे छोड़ दिए, हुजूर का हुक्म था ना उसे मारो, लोगों से छोड़ दे। चुनाचे हुजूर की खिदमत में आए वो चिट्ठी पेश, अल्लाह के नबी ने फरमा पढ़ो, पढ़ा गया। उसमें लिखा था आपकी तीन अभी बलदान की जानी से सरदारा ने मक्का के नाम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पे हमला करने वाले, लिहाजा आपने बचाओ। हुजूर को इतना जलाल आया, हालांकि हुजूर ताकीद कर रहे थे राज पास नहीं करना, उन्होंने पास किया और 10 रुपए दिए थे उसको, हाँ जी वो टपाल पहुंचाने के वास्ते कुरियर 10 दिरहम दिए। अल्लाह के नबी ने जब नाम सुना हातिम का, फरमाया हातिम कहाँ है? अभी हुए हुजूर ने फरमाया था तुमने क्या कहा? जी या रसूल मैं उमर बादू में थे म्यान में से निकल निकलता था, या रसूल अल्लाह ये गुनाह भी हो गया है, आप हुकुम दे इसकी गर्दन ही मार देते। रसूल पर मोहम्मद जरा चुप बैठ, बहुत जज्बा थी हजरत फरमा जरा पूछा हसीब क्यों लिखा? मैंने मना किया था। हसीब ने कहा या रसूल जल्दी मत की, मैं इस्लाम से फिरा नहीं हूं, इस्लाम दिखाया बस इतनी सी बात थी कि मेरे बाल बच्चे मक्के में रहे, अब मैं मक्के का रहने वाला नहीं हूं। तो जाहिर बात है अगर जंग हो जाए तो मक्के वाले मेरे बाल बच्चों को तकलीफ पहुंचाए, ये
इसलिए मैंने उन पर एहसान करना चाहा ताकि एहसान के बदले में मेरे बाल बच्चों की वही हिफाजत करे। और मुझे यकीन था या रसूलुल्लाह के रात चाहे फाश हो जाए अल्लाह अपने नबी को जरूर फतेह मुबीन अता फरमाए, ये रात के फाश होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने फिर निकाली या रसूलुल्लाह इसे तो मारी दे तो आप हुकुम करो। मुझे नहीं मालूम ये बदरी में से जंगे बदर में शरीक हुआ और जंगे बदर में जो शरीक थे अल्लाह ने उनके बारे में जान कर ही तो कहा अब इसके बाद चाहे जो कर लो मैंने तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए। उमर की आंखों में आंसू आए, कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। हुजूर ने फरमा हकीम तुमने सच कहा। आयत नाज़िल हुई बहुत तंगी के रास्ते ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ, हमसे दोस्तियां मत कर देते हो। अल्लाह ने एक तंगी की आयत नाज़िल फरमाई। बहरहाल ये वाकया पेश आया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुल तैयारी की। अब 10,000 सहाबा को लेकर हुजूर मक्के की तरफ रवाना हो गए लश्कर इस्लाम। यहां तक के रास्ते में दो कबीलों के 1,000 अपराध भी हुजूर के साथ शामिल हो गए। इसलिए लश्कर इस्लाम की तादाद तकरीबन 12,000 हो गई। और एक रिवायत यह है कि सब मिला के 10,000 थे। 10,000 का लश्कर था फतेह मक्का के मौके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के के करीब पहुंचे मौज़ुज़हाम पे पहुंचे, आपने हुक्म दिया कि हर एक अपने अपने सीने के सामने आग जलाए रोशन करे ताकि तेरा ज्यादा मालूम। चुनाचे हर एक ने अपने अपने सीनों के सामने लगाया कि आग लगाए। उधर मक्के से जस्तजू में अबू सुफियान वहां पे आया हुआ था, रात में देखा ओहो कौन बड़ा लश्कर पड़ाव डाले हुए है। तो अबू सुफियान घबरा गया, कहने लगा इतना बड़ा लश्कर मैंने नहीं देखा। हुजूर के चचा अब्बास ने आवाज सुनी, अबू सुफियान की पुराने दोस्त करीब आए, कहने लगे अबू सुफियान जानते भी हो ये लश्कर किसका है? कहा क्या है किसका है? कहा ये मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मक्के वालों अब तुम्हारी शहर नहीं है, अब तुम्हारी शहर नहीं है। अबू सुफियान ने कहा अब्बास मैं क्या करूं? अब्बास ने कहा मेरे खच्चर पे बैठ जा, तुझे हुजूर तक पहुंचा तो वहां जाके माफी मांगे बेटा है, तो किसी साधी के हाथ लगाना तो तेरा चिड़िया गर्मेश हो जाता है। ये तो वाट लग जा बेटा, जल्दी से बैठ मेरे खच्चर पे, अल्लाह के नबी की खिदमत में तुझे ले जाता हूँ, हाँ माफी मांग ले माफी हो जाती तेरे पास। सफेद खच्चर पर जो हुजूर का था चचा को दिया था हुजूर ने, पीछे बिठाया अबू सुफियान को और लेके चले। रात में सहाबा पहरे दे रहे हैं क्योंकि कल मक्के में दाखिल होना है। तो किसी ने देखा सफेद खच्चर पे हुजूर के चचा हैं, पीछे अबू सुफियान को नहीं पहचाने, मदीने वाले अबू सुफियान को नहीं पहचानते। तो कहने लगे आगे ये खच्चर तो हुजूर का है और आगे तो चचा है अब्बास, ये पीछे वाला कौन है? अब हजरत अब्बास पे है खच्चर को दौड़ाते हुए चले और एक जानिब से गुजरे, वहां अंसार की रेजिमेंट थी और उनमें उमर भी थे। उमर ने देखा ओ अल्लाह का दुश्मन अबू सुफियान तलवार लेके दौड़े, आज तो छोड़ता नहीं। और हुजूर ने हुक्म
किया था, अबू सुफियान को मेरे तक पहुंचने न पाए हो, उधर ही निमट गए उसको। हजूर ने फरमाया अबू सुफियान बहुत जड़ा है, पीलू के झाड़ के जैसा है, पीलू की विश्वास पत्ती ना थी। हजूर ने फरमाया था अबू सुफियान पीलू के झाड़ के जैसा बहुत जड़ा है वो। आपने फरमाया मेरे तक पहुंचने से पहले उसको खत्म कर दे। हुजूर के खिदमत में जो भी पहुंचता था अल्लाह के नबी रहमतुल आलमीन ने उसको माफ कर देते। फरमा फिर तक ये सामने में पहुंचे उधर ही मिलते हो। चुनाचे उमर ने देखा कहा अल्लाह का दुश्मन अबू सुफियान अब मेरे हाथ में लग गया, अब तो छोड़ता तलवार लेकर उसके पीछे दौड़े। हजरत अब्बास ने खच्चर तेजी से दौड़ाया, उमर के हाथ में रखने दिया। दोस्ती कहाँ पता किया, यहाँ तक के हुजूर के सीने में पहुंचे। उमर की शायद ना यार रसूल अल्लाह अबू सुफियान को बोलते हैं तो नाम का मेरा दे ये तक पहुंचने दिया आप कहीं को मारता ले जा। हजरत अब्बास ने कहा क्यों रे उमर तेरे खानदान क्या रहता तो ऐसा करता था क्या तू, ये तेरे खानदान क्या नहीं होता ना हमारे खानदान क्या इसके तेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा। अगर तेरे खानदान में रहना था बनो आदमी का तू ऐसा करता क्या। हजरत उमर ने कहा चाचा ज्यादा केस लेने की जरूरत नहीं है, जिस दिन तुम मुसलमान हुए थे ना उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई थी, अपना बाप खत्ताब भी अगर मुसलमान होता है इतनी खुशी नहीं होती। अल्लाह इतनी खुशी तुम्हारे ईमान आने की हुई थी, क्यों कि तुम्हारे ईमान आने से अल्लाह के नबी को खुशी हुई। अब्बास ठंडे पड़ गए। अब जो है हुजूर के सामने अबू सुफियान पेश हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू सुफियान कलमा पढ़ ले। अबू सुफियान कहने लगा कि आप कितने अच्छे हैं, रिश्ते नातों का कितना ख्याल करते हैं। शिला अब्बास ने कहा अबे कलमा पढ़ ले कलमा पढ़ने में तेरी गर्दन माफ की जाएगी। कहने लगा कि अगर कोई और महबूब होता अल्लाह के अलावा तो आज हमारी जरूर मदद करता है, लेकिन अल्लाह के सिवा कोई माफ नहीं। आप बड़े अच्छे हैं, बड़े माफ करने वाले हैं। अब वो सुन जाने का आपने कलमा पढ़ बैठे तो खतर ही होने का। तब अबू सुफियान ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। हजरत अब्बास ने कहा या रसूल अल्लाह ये जरा बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी इसको बहुत पसंद है, खास रियायत करो इसकी। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा जाओ मक्के में ऐलान करो मन दखला दार अबी सुफियान फहुवा आमीन, जो अबू सुफियान के घर में पना ले उसको अमान है। अबू सुफियान मक्के में आए हांफते कांपते हुए, मक्के वालों से कहा अब जो है कोई बचा नहीं सकता, मोहम्मद तो बहुत बड़ा लश्कर लेकर आया। अबू सुफियान की बीवी जो थी हिंदा बहुत डेंजर औरत थी, डेंजर औरत थी। अबू सुफियान की बात सुन के उसके गुच्छा पकड़ी, बड़े बड़े गुच्छा थे अबू सुफियान ने, गुच्छा पकड़ी कहा बेगैरत तुझे वहां मरना चाहिए था, यहां तक आया गया तो तुम। अबू सुफियान ने कहा हिंदा आप कोई काम नहीं आया, तुम्हारे थी ना तलवार की सही सही जो सुनती आप कोई नहीं बता सकते। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्ध सामाओं को झंडे अता करता है जी। एक घंटा जो है साफ में वादा हो गया और आपने हुकुम किया कि साथ लश्कर लेकर कदीम की जानिब से मक्के में डाले और खाली दिन में मरीज को एक लश्कर की सिपे सालारी दी और फरमाया बिस्फला से
جس طرح سے آپ حضور ہو تو ہجوم کی پہاڑیوں کی جانب سے داخل ہوئے. مکے میں داخل ہونے کے تین دروازے تین رستے, تینوں جانب سے لشکر اسلام داخل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہے, آپ کے پیچھے لشکر اسلام, دونوں جانب سے مکے میں کوئی دفاع مدافعانہ کوئی حرکت نہیں ہوئی, لیکن خالی جس جانب سے شاہ داخل ہوئے تھے جس پلا سے کچھ سرفروں نے ان پر تیر مارنے شروع کر دیے. خالد ابن ولید نے دیکھا تو حملہ کرے نہیں, اپنے رجمنٹ کو حکم دیا ہاں تو بھی شروع ہو گیا. اب جو جنگ ہوگی جھڑپ ہوگی وہاں پہ, یہاں تک کہ اس جھڑپ میں تین صحابی شہید ہو گئے, اس میں قرظ بن جابر الفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, دو اور صحابی شہید ہو گئے, تین صحابی اس میں شہید ہوئے. اور کفار مکہ میں سے 24 قریش کے قتل ہوئے اور 4 قبیلے بنو حذیر کے, 24 مکے کے قریش میں سے اور 4 بنو حذیر میں سے یہ کافر 28 کافر مارے گئے اس جھڑپ میں اور 3 مسلمان شہید ہو گئے. پھر کافروں نے ہتھیار ڈال دیے, اسی کو غزوہ فتح مکہ کہا جاتا ہے. فتح مکہ جو ہوا نا یہ جھڑپ ہوئی, حالانکہ مکے میں قتل و قتال کرنا حرام تھا لیکن اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایک سنت کے لیے حرم کو حلال کر دیا. حضور نے فرمایا اس کے بعد اس کی حرمت پہ لوٹ کر آئے گا قیامت تک کے لیے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اللہ کی طرف قسم ہے اس شہر مکہ کی, لا اقسم بهذا البلد اس شہر مکہ کی, وانت حل بهذا البلد اے نبی آپ کے لیے یہ شہر حلال کیا ہے. حضور نے فرمایا جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا جب سے یہ شہر حرمت والا ہے, لیکن میرے لیے ایک ساتھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور اس کے بعد حرمت پھر اس کی لوٹ ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پورے مکے کا جو کر دیا, جس کو بھاگنا تھا وہ تو بھاگ گیا, جو بچ گیا ہے اللہ کے نبی نے حکم دیا اور ان سب کو میرے سامنے حاضر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے میں کعبۃ اللہ کے اندر سے بتوں کو نکالا گیا, اللہ نے حکم دیا جتنے بت ہیں سب پھوڑ دے, بڑے چھوٹے چلر سب بتوں میں پھوڑنے کا حکم دیا, اطراف بگنام کے بتوں کو بھی توڑنے کا حکم دیا. صحابہ نے زمزم کے کنویں پہ پہنچ کر دو رسی سے پانی نکالے اور کعبۃ اللہ کے اندر کعبۃ اللہ کو دھو دیا, حضور کی خدمت میں پیش ہوئے یا رسول اللہ کعبۃ اللہ دھو دیا گیا, حضور اندر داخل ہوئے. عام میں 8 رکعت نماز ادا کی, یا تو چاشنی کی تھی یا فتح مکہ کے شکرانے کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے, آپ حضرت اسود کے قریب پہنچے, اپنے اسفار کو لگا کر حضرت اسود کا احترام کیا. حضور جب نیچے اترے ہیں صحابہ نے اپنے اپنے ہاتھوں پہ لے کے حضور کو نیچے اتارا, کیونکہ اونٹ کو بٹھانے کی جگہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں, آپ پاتے ہیں مکہ ہیں لیکن آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے عاجزی ان کے ساری کے طور پر. اس کے بعد حضور نے کعبۃ اللہ کے صحن میں پورے دشمنوں کو جمع کیا,
इसमें वो भी थे जिन्होंने हुजूर को हर वक्त तकलीफ में पहुंचाई थी, कत्ल के इरादे किए थे, वो लोग भी इसमें थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर वो आयत शरीफा थी, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا। अभी कह दीजिए हक आ गया, बातिल मिट गया, बातिल तो मिटने ही वाला है। आप कह दीजिए हक आ गया, बातिल भाग गया, बातिल तो भगोड़ा ही है। हजरत उमर कहते हैं ये आयत मैं पहले कभी नहीं सुना था, ऐसा लगता है उसी वक्त नाजिल हुई होगी। फिर हुजूर सहने काबा पे खड़े हो गए, चौखट पे हाथ रखा और पूरे मुशरिकीन सहने काबा में जमा है। हुजूर ने खिताब पढ़ा, अल्लाह के नबी का खिताब खुतबा फतह मक्का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक ला صدق وعدا ونصر عبدا هزم الاحزاب وحدا الا كل معصيه او دم او مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين الا صدانه البيت وسقايه الحجاج يا معشر قريش ان الله قد اذهب عنكم مخوبت الجاہلیہ و تعظمہ بالآباء الناس من آدم و آدم من دعا۔ حضور نے اس کے بعد آیت پڑھی یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ حضور کا خطبہ تھا۔ ترجمہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور تمام مخالف جتوں کو تنہ تنہا توڑ ڈالا۔ ہاں تمام مفاقی، تمام انتظامات، تمام خون بہا میرے قدموں کے نیچے، یا پرانے دشمنہ نکالنا نہیں، ختم ہو گئے۔ صرف حرم کعبہ کی تولیت اور رجات کے لیے پانی کا انتظام مستثنا ہے، یعنی پہلے سے جس کی ذمہ داری تھی وہی ذمہ داری ادا کرے۔ اے قریش، جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے آنکھ مٹا دیا، تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ لوگوں، ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچان لیے جاؤ۔ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت کا مستحق وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ حضور نے خطبہ کیا، اس کے بعد پوچھا کہ اچھا بتاؤ میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ سب نے کہا اخوں کریم ابن اخیم کریم، آپ ایک شریف بھائی شریف بتیجے، آپ سے ہم رحمت کی امید کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم اذ ابوکم انتم الطلبا، آج تم پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کرتا، آج میں تم پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کرتا، چلے جا تم سب آزاد ہو۔ حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ وہ حیرت میں رہ گئے، ہم اتنا تکلیف پہنچائے وہ معاف کر دی؟ یہ اخلاق عام انسان کے نہیں ہو سکتے، ضرور ہے یہ اللہ کے پیغمبر۔ انہوں نے کہا اب کہاں جانا، اب تو آپ کے خطبوں ہی میں ہمیں جگہ دی۔ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے کہ صبح سے شام تک ایک دن میں 2000 آدمی مسلمان ہوئے۔ خالی مسلمان نہیں ہوئے، حضور کے حکمین کی جانب جا رہے ہیں کافروں کے لیے
तंबी के वास्ते ये नौ मुस्लिम आ गए यार रसूल अल्लाह, अब तक तुम्हारे खिलाफ लड़े, अब इजाजत दो तुम्हारी जानी से तुम्हारे दुश्मन से लड़े। जंगे हुनैन के नौ मुस्लिम 2000 की तैदा थी। अल्लाह ने फरमाया इजा जा नसरुल्लाह वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह यानी मक्का फतह हो गया, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دیکھیں آپ کے لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اب آپ کا کام ختم ہو گیا، اب آپ واپسی کی تیاری کرو، واپسی کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کی حمد و تسبیح اور اس کی تقدیس بیان کرو۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے فتح مکہ کے بعد جب اللہ نے آپ کو تسبیح اور تحمید کا حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے تھے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے آتے جاتے ہر وقت یہ دعا پڑھتے تھے سبحان اللہ وبحمدی استغفر اللہ واتوب الیہ انہ کان توابا۔ اب یہاں سوال یہ ہے استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی طلب کرنا، اب حضور تو معصوم تھے پھر معافی کے لیے مانگنا ہے، اب یہ یاد رکھو غلطی ہوئی تو معافی مانگنا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں تو مانگنے کے لیے، لیکن تمام یہ غلطی نہ ہوئی پھر بھی معافی مانگ رہے یہ حضور کی شان تھی، اللہ کے آپ معصوم ہیں، اس کے باوجود آپ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں بخشے بخشائے ہیں پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ پر شکر گزار بنتا ہوں؟ واستغفروا انہ کان توابا، بے شک اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہ سورہ نصر کی تفسیر آج مکمل ہوئی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے دعا اللہم صل علی محمد۔